आते हैं उनको रिकरेंट टीनिया होता है। रिकरेंट मींस कि बार बार ट्रीटमेंट ले लिया, फिर हो रहा है, फिर बंद कर दिया, फिर दोबारा से हो रहा है, जिसका मेन कारण है सेल्फ ट्रीटमेंट। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मेघा गुप्ता, स्किन स्पेशलिस्ट एट डॉक्टर मेघा स्किन क्लिनिक, गुरुद्वारा रोड, हिसार। आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में, जिसे कॉमनली दाग या रिंगवर्म के नाम से भी जाना जाता है। फंगल इन्फेक्शन जैसा टॉपिक मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि 5-6 सालों में फंगल इन्फेक्शन, जो सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है स्किन का, उसने एक एपिडेमिक का रूप ले लिया है। जो 10% हमारे पेशेंट पहले फंगल इन्फेक्शन के आते थे एक दिन में, आज 50% OPD जो है हम वो फंगल इन्फेक्शन की देखते हैं। फंगल इन्फेक्शन क्या है? यह एक तरीके का जीवाणु होता है फंगस, जैसे आपने बैक्टीरिया या वायरस सुना होगा, उसी तरीके का फंगस एक जीवाणु है, जो वातावरण में भी पाया जाता है और जो हमारी स्किन के ऊपर भी होता है, बट यह अधिकतर नुकसानदायक नहीं होता। जब फंगस जीवाणु को हमारी स्किन पे अनुकूल वातावरण मिलता है, जैसे कि नमी या गीलापन, तो यह मल्टीप्लाई करना शुरू करता है और उसकी वजह से हमारे को फंगल इन्फेक्शन के लक्षण मिलते हैं, जैसे कि दाद, खाज, खुजली या लालीपन या चकत्ते आना या चमड़ी गोलाई में सूखी हो जाना। इस तरीके के लक्षण हमारे को फंगल इन्फेक्शन में देखने को मिलते हैं। फंगल इन्फेक्शन महिलाओं को, पुरुषों को, किसी को भी हो सकता है और किसी भी उम्र में हो सकता है। अब हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के कारणों के बारे में। जो सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है फंगल इन्फेक्शन का, वह होता है नमी या गीलापन होना। अब नमी या गीलापन किन वजहों से हो सकता है? यह हो सकता है उन लोगों को जिनको स्वेटिंग बहुत होती है, जैसे जो फिजिकल एक्टिविटी में काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, या जो मोटापे से ग्रसित होते हैं, या वो पेशेंट्स जिनको सूखापन नहीं रख पाते हैं, तो उनको स्किन फोल्ड्स, जैसे बगल हो गए, या आपके जांग ग्रोइंस हो गए, या महिलाओं में जो ब्रेस्ट के आसपास का एरिया हो गया, वहाँ पे ये नमी या गीलापन रहता है और उस वजह से ये फंगस वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है। दूसरा कारण है ओल्ड एज। ओल्ड एज में लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते, या कुछ इस तरीके की दवाइयों पर होते हैं जिससे बॉडी इम्यूनिटी कम होती है, तो उनको भी फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। थर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है डायबिटीज़ या शुगर। तो डायबिटीज़ में काफ़ी सारे इन्फेक्शन्स होने का चांस होता है, जिसमें से एक इन्फेक्शन है फंगल इन्फेक्शन। कारणों के अलावा जो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन की। फंगल इन्फेक्शन जो स्किन के होते हैं वो मेनली दो तरीके के होते हैं, कैंडिडियसिस या डर्मेटोफाइटोसिस। कैंडिडियसिस जो होता है वो मेनली हमारे को या तो मुंह का कैंडिडियसिस होता है, या फिर जेनाइटल एरिया का कैंडिडियसिस होता है। जो डर्मेटोफाइटोसिस होता है वह कई टाइप्स का होता है। अगर वो सर में होता है तो उसे हम टीनिया कैपिटिस कहते हैं, जो ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। अगर नाखूनों का है तो उसे हम ओनाइकोमाइकोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से नाखून पीले पड़ जाते हैं, नाखूनों की थिकनेस जो है वह बढ़ जाती है। अगर बॉडी पे होता है तो उसे हम टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं। पैरों में अगर डर्मेटोफाइटोसिस या फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसको हम एथलीट्स फुट कहते हैं, या फिर टीनिया पेडिस। यह क्या होता है कि इसमें आपकी उंगलियों के बीच में, पैरों की उंगलियों के बीच में फफूंदी सफ़ेदी सी पड़ जाती है, क्योंकि एथलीट्स जो है उनका ज़्यादातर टाइम जो है वो पसीने में जाता है, या सॉक्स और शूज़ पहन के रखते हैं, वहाँ पे सूखापन नहीं रह पाता है, तो उस वजह से उनको वो एथलीट्स फुट या टीनिया पेडिस होता है। अब हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि फंगल इन्फेक्शन आज एक एपिडेमिक के फॉर्म में आ चुका है। यह क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स जो आते हैं उनको रिकरेंट टीनिया होता है। रिकरेंट मींस कि बार बार ट्रीटमेंट ले लिया, फिर हो रहा है, फिर बंद कर दिया, फिर दोबारा से हो रहा है, जिसका मेन कारण है सेल्फ ट्रीटमेंट। पेशेंट्स अपने आप से दवाइयाँ लगाकर आते हैं, या कुछ टैबलेट्स या इंजेक्शन्स लगाकर आते हैं, जो ज़्यादातर स्टेरॉइड्स होते हैं।
अगर आपने स्टेरॉइड बेस्ड ट्रीटमेंट लिया है तो वह फंगल इन्फेक्शन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, उस फंगस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है और वह ट्रीटमेंट डॉक्टर के लिए भी, स्किन स्पेशलिस्ट के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। डॉक्टर आपको एनालाइज करेगा कि आपका इन्फेक्शन कितना पुराना है, कितना सीवियर है, किस जगह पे है और अकॉर्डिंगली आपको क्रीम, लोशन, पाउडर, टैबलेट या कैप्सूल प्रिस्क्राइब किया जाएगा। जो और कुछ चीज़ें देखी जाती हैं वह है कि आपकी एज क्या है। ओल्ड एज में हम हर तरीके की दवाई नहीं दे सकते क्योंकि ओल्ड एज में काफ़ी और दवाइयाँ भी चल रही होती हैं, तो वह इंटरेक्शन देख के हम दवाइयाँ और डोज डिसाइड करते हैं। ट्रीटमेंट के साथ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वह है प्रिकॉशंस जो फंगल इन्फेक्शन के साथ आपको फॉलो करने होते हैं। ट्रीटमेंट की अपनी एक जगह है और प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले जो कारण था उसके अकॉर्डिंगली हम प्रिकॉशन लेंगे, जैसे नमी या गीलापन, तो प्रिकॉशन रहेगा सूखापन रखना। सूखापन कैसे रखा जा सकता है? सूखापन रखने के लिए नहाने के बाद शरीर को अच्छे से पोंछे, स्पेशली स्किन फोल्ड्स को अच्छे से पोंछे। दूसरा, अपना जो भी कपड़े हैं उनको धूप में सुखाएं, ज़्यादा देर तक वॉशिंग मशीन में कपड़े ना छोड़ें, आज का कपड़ा कल ना पहने, टाइट क्लोथिंग ना पहने, जैसे जीन्स हो गई, अगर जिम जाते हैं, अगर सिंथेटिक क्लोथ्स पहनते हैं तो आते ही शावर लें और अच्छे से बॉडी को ड्राई करके अपना क्रीम या पाउडर लगाएं। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने की है प्रिकॉशंस में, जैसे मैंने बताया कि सेल्फ ट्रीटमेंट ना लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, कोई भी स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स ना लें। तीसरी चीज़, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली फॉलो करें। अगर 20 डेज के बाद आपको बुलाया गया है तो अपने आप से दवाइयां बंद ना करें, क्योंकि अगर आप बीच में ट्रीटमेंट बंद करते हैं और एक आध जीवाणु भी रह जाता है तो वही मल्टीप्लाई करके जो है वो दोबारा से पूरे शरीर को इन्वॉल्व कर सकता है। आजकल देखा गया है कि पेशेंट आते हैं, पूरी पूरी फैमिलीज अफेक्टेड होती हैं और पेशेंट को लगता है कि पहले मैं अपना ट्रीटमेंट करा लूँ फिर बाकी लोगों का कराऊँगा, तो यह बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन एक जने से दूसरे जने को होता है। अगर आपके कपड़े साथ में धुलते हैं, साथ में उठना बैठना है, तो फंगल इन्फेक्शन पूरी फैमिली में फैल सकता है। तो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो एक साथ अपना इलाज कराएं ताकि ये इन्फेक्शन दोबारा ना हो। तो हम ये सारे प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट फॉलो करते हुए, कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि फंगल इन्फेक्शन रिकरेंट हो, मतलब कि आपका ट्रीटमेंट बंद करने के बाद भी हो। आपको एक बार डॉक्टर ने जैसे कहा है आप करें और बाद में भी अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें तो फंगल इन्फेक्शन दोबारा नहीं होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड, या अगर आप खुद फंगल इन्फेक्शन जो आपको बार बार तंग कर रहे से परेशान हैं, तो आप आ सकते हैं एट डॉक्टर्स मेघा स्किन क्लिनिक। हमारी क्लिनिक है गुरुद्वारा रोड पे, ज्वेल होटल के ग्राउंड फ्लोर पे, तो आप आकर कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अभी आपने सुना डॉक्टर मेघा गुप्ता को, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। ये हिसार में डॉक्टर मेघा स्किन केयर क्लिनिक में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आज इन्होंने हमें बताया कि जो इस मौसम में स्किन की जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो किन किन कारणों से होते हैं और इनके समाधान क्या है और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बड़ी लाभदायक रहेगी। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि हम लाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपके घर एक क्लिक पर। तो इसी के साथ मैं यश प्री हॉस्पिटल टीवी की पूरी टीम की तरफ से अब आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।